अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अलमारी तैयार की थी कल, मैंने सोचा चलो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। कॉर्नर्स है ये, अक्सर सीढ़ियों के नीचे प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए कि हम क्या बनाएं सीढ़ियों के नीचे ना, तो फिर इस हिसाब से मैंने एक अलमारी बना दी है। बहुत मुझे तो बहुत बेस्ट लगी है। देखें, मैं आपको अभी इसके डोर खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, काफ़ी तकरीबन 42 इंच गहराई थी इसकी, लेकिन मैंने 38 इंच तैयार कर दी है क्योंकि 10 इंच का पीस मेरा और कहीं कॉर्नर में लग गया है। इसके बीच में शेल्फ आ गया जो बड़ा हो गया था खाना। ये देखें, ये भी, और ये जो दो दरवाजे रखे हैं मैंने इनके नीचे कर दिया हैंगर। ये देखें, ये हो गया ओपन, ठीक है ना। ये हैंगर दो कर दिए। देखें, पीछे वाला हैंगर इसलिए मैंने ऊपर लगाया है ताकि अगर हमारे कपड़े पीछे लटके हों तो वो आगे से नज़र आ सके कि हमने कौन से उतारने हैं। अगर मैं दोनों बराबर लगा देता तो फिर उसके लिए मसला बन जाना था कि पहले हमें आगे वाले साइड पे करके फिर देखना पड़ता पीछे कहाँ पर कौन से कपड़े लगे हुए। ये इस पर मैंने यू पट्टी लगाई है, इस ये प्लास्टिक की जो होती है, सिल्वर नहीं यहाँ पे मैंने लगाई, ठीक है ना। ये ग्रुप पट्टी और कब्ज़ा मैंने इसको बड़ा लगा दिया है लंबे वाला। ये देखें, और इसको कैचर नहीं लगाया, जो पहले वाला डोर है ना इसको कैचर नहीं लगाया, और ये दूसरे वाले को डबल कैचर लगा दिया ताकि ये जब बंद होगा इसको साथ ही बंद कर लेगा। और ये चौकी नीचे बनाई थी मैंने, नीचे चौकी बनाई थी, अगर 5 इंच की मैंने इसके नीचे चौकी बना दी है ताकि ये जैसे ब्लैक स्कर्टिंग लगी है ना, इसी तरह इसके ऊपर भी ब्लैक स्कर्टिंग लग जाएगी, ये बहुत प्यारा लगेगा। ये सब आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी ये अलमारी। डिज़ाइन तो और भी काफ़ी होते हैं लेकिन सिंपल सी बनाई है। इस पर भी कम से कम 6 शीटें लगी हैं हमारी, 6 शीट तकरीबन 7 लग गई हैं, फ्रंट की शीटें मिला के 7 शीटें तकरीबन पूरी लग गई हैं इस पर, और 2 प्रेस। ये इसकी लंबाई है तकरीबन कोई 8 फुट इसकी लंबाई है और 5 फुट ये खड़ी है, हाइट इसकी 5 फुट है और चौड़ाई इसकी तकरीबन 8 फुट है। ऐसे 8 फुट से थोड़ी सी बड़ी होगी, कोई 2-4 इंची ज़्यादा नहीं, देख लें। और ये डिज़ाइन आप अपने घर में बनवाएं इंशाल्लाह। इसकी लागत तकरीबन आई है जी, आप खुद ही हिसाब, वो फिर शीटों पे हो जाता है कि कितनी महंगी शीट आपने लगवानी है, कितने वाली लगवानी है, किस हिसाब से है, फिर उस हिसाब से बन जाती है। तो यही हिसाब लगा लें कि हमारी इतनी शीटें लगी हैं और फ्रेम कुछ लगा है, यही को 15 से 20 हज़ार रुपये के नज़दीक नज़दीक तकरीबन लग ही जाते हैं, क्योंकि 2000 रुपये की शीट है मुल्तान में, पाकिस्तान मुल्तान में ना 2000 रुपये की शीट है चिपबोर्ड की, चिपबोर्ड लेमिनेशन जो होता है जिसका बॉक्स बना है। बाहर जो लसानी लगी हुई है ये तो तकरीबन 4000 रुपये की शीट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज हो कि क्या क्या लग सकता है, किस किस चीज़ से बनेगी हमारी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।